मेरठ से हैं नीरज जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है नीरज जी। हाँ जी, मैं अब वो आपकी दवाई खा रही हूँ, वो गोंद चिलगोजा, और आपने वो बताया था मुझे एग्जिमा है हाथों पर, मुझे बहुत आराम है। आराम क्या, आपने बोला था कि खरांसी सी उड़ जाती है, डॉक्टर साहब ऐसे ही उड़ गई है खरांसी, मुझे बहुत आराम है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैंने एक आपसे पूछा था, मेरा सवाल है कि मुझे फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, आपने उसके लिए नमक जैतून बताया था, आधा चम्मच अलसी में वो मिलाती हूँ, गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा और नमक जैतून एक गिलास पानी में मिलाकर लेती हूँ एक बार, तो ये मुझे कितने दिन तक कंटिन्यू लेना है सर? जी ठीक है। देखिए, बहुत मुबारक, और भगवान भी खूब है, मैं जो बोलता हूँ उसकी लाज रख लेता है। मैंने कहा था खाक सी उड़ जाएगी, तो भगवान ने खाक सी उड़ा दी। बहुत धन्यवाद भगवान का, और आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने फीडबैक कॉल दिया। अच्छा, देखिए, ये जो भी रोग होते हैं, ये खून की गंदगी और उसकी हिद्दत यानी गर्मी की वजह से होते हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी जो खुश कर दें इसे, तो खुश हो गए। अब फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं, तो नमक जैतून आपने शुरू कर दिया है। ये खून की सफाई करेंगे, स्किन की सही डाइट पहुँचेगी, और धीरे धीरे आप अच्छे हो जाएंगे। वैसे 4-5 महीने ज़रूर लेना चाहिए, और क्योंकि यूनानी दवाएं, ये कच्ची दवाएं, रॉ मटेरियल हैं, और जितने जितनी मिकदार में, जितनी क्वांटिटी में बताता हूँ, अगर वो लें तो ज़्यादा टाइम भी लें, तो इनसे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपका फ़ोन करना और फीडबैक कॉल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंगलोर से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम मैम, आपका नाम सलाम। क्या है? मैं नसरीन जी मैम, आपका बैंगलोर सवाल। से बात कर रही हूँ। ये मुझे शुगर बीपी सब थी, मैं डॉक्टर साहब का 4 साल से इलाज कर रही हूँ, गुड़मा बूटी कलौंजी जीरा मेथी सब नॉर्मल है। मुझे स्किन प्रॉब्लम है सूर्य से का, उसके वास्ते कोई इलाज घरेलू है तो? हेलो ठीक है। जी और देखिए, ऊपर वाले ने आपको फ़ायदा दिया, एक और घरेलू नुस्खा बताता हूँ, वो आप लें और लगातार 6-7 महीना लें। देखिए, अलसी है, अलसी को हल्का सा भून लें, 200-400 ग्राम खरीद लें अलसी। इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी सभी जानते हैं। इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। अब आपको क्या करना है, आधा चम्मच अलसी खानी है, और एक चुटकी नमक जैतून, असली नमक जैतून, 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला दें, और अलसी खा के ये पानी पी लें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और 6-7 महीने इलाज करें। ये आपके रोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अनीता शुक्ला जी हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। हाँ बताइए मैम आपका सवाल। मैम सर नमस्ते। जय हिंद जी अनीता जी। हाँ सर, हाँ सर, हमारी बात तो पहले भी सर हो चुकी है, हम आप बहुत परेशान हैं सर अपने रोग से, हमारा सोराइसिस की प्रॉब्लम है सर, बहुत जुटी रहती है इसकी अनीता, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, सोराइसिस की तो? प्रॉब्लम है। जी सर, सोराइसिस की प्रॉब्लम सर हमारी। कुछ लिया आपने, दवा ली? हाँ तो सर आपने बताया था ना कि नमक जैतून और अलसी बताया था, वो ले रहे हैं, उसके बाद वो सोडा खाने वाला बताया था तो वो भी ले रहे हैं सर, उससे कोई फर्क नहीं सर, वो बढ़ता जा रहा है क्या सर? आपकी कंपनी बताते हैं वो एल केयर, वो भी बताते रहते हैं कि वो लोग इससे जल्दी फायदा होगा, वो सर हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है अच्छा, और सर वो पहले तो जो आपको फ़ायदा हो गया था शुरू, आपने कहा था, क्या सर? आपने कहा था कि फ़ायदा हुआ है पहले, पहले भी आपने फ़ोन किया था ना? हाँ सर, पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर अचानक से बढ़ गया, बहुत ज्यादा पड़ा चेहरे में, पूरे शरीर में है सर, हम बहुत परेशान हैं इस रोग से, कोई जल्दी फायदा करने वाला हो तो सर बताइए, वो दवा एल केयर क्या ले सकते हैं सर?
नहीं आप के लिए वो बेहतर नहीं है, और एक दवा ये अच्छी है लेकिन इसमें टाइम लगता है, किसी भी पैथी में 6-7 महीने या साल भी लग सकता है। देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा लगे तो आप लंबा इलाज करके इसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और आप को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लगे और 2-4 महीने हो गए हैं तो फिर आप रोक भी सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा इम्तहान लेता है भगवान, तो उसको देर में फ़ायदा होता है। आप इसे इस्तेमाल करें अगर आपको फ़ायदा है, लेकिन जो भी पैथी है, और पैथियों में तो इसका इलाज ही नहीं है, यूनानी में है और यही इलाज है। आप चाहें तो और ज़्यादा संयम रखें और इलाज जारी रखें। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से, श्याम हमारे साथ, स्वागत है श्याम जी आपका। हाँ जी नमस्कार, हकीम साहब से बात कर। जी जी बताइए, आदाब हकीम साहब। मैंने दवा ली थी इसके लिए आपके, बोलिए। गोंद, गोंद जी, काला गोंद, ठीक है। अब ये 20 दिन दवा खाई है और आराम आना शुरू हुआ है काफी। अच्छा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ क्या चीज़ें परहेज वगैरह का उसका ध्यान रखना है क्या, आप बताते हैं उसका। वेस्टर्न टॉयलेट का वो तो हो नहीं सकता, उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट इसलिए बताते हैं कि घुटनों और कमर के दर्द में जब हम ज़मीन में बैठकर टॉयलेट करते हैं तो घुटनों और कमर पर ही असर पड़ता है। तो ऐसे लोग भी ठीक ज़रूर होते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर हो तो आपके और आपके जो घर में बुज़ुर्ग होंगे, जो मेरी तरह बुढ़े होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या जो मोटे लोग हैं ज़्यादा हेल्दी हैं उनको वहाँ पर बैठा नहीं जाता। तो ये लगवा लें तो बहुत अच्छा है। एक सीट आती है जो उसी जगह पर जहाँ पर आपका टॉयलेट है उसी में फिट हो जाती है, तो फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया, लेकिन आपको थोड़ा देर से फ़ायदा हो सकता है या बार बार वही रोग हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना वो बात बता दूँ जिसकी वजह से आपको जल्दी फ़ायदा हो, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें एहतियात क्या है। तो आप लेना शुरू किया, अभी 20 दिन हुए हैं, इत्मीनान रखिए, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही है? मैं नई दिल्ली स्टेशन के पास से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सहमिदा है। सहमिदा जी, जी बताइए आपका सवाल क्या है? मैं हकीम जी से बात करना चाह रही हूँ। जी जी बताइए फहमीदा, क्या सवाल है आपका? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। हकीम साहब मुझे गठिया है। अच्छा, मैं आपके मतलब में आना चाह रही हूँ। ठीक है, मेरे मतलब का एड्रेस आप करोल बाग में आ सकते हैं, और वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले लें। और मैं नुस्खा भी आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके लिए अगर घरेलू तौर पर इलाज करना है तो गोंद स्याह लीजिए और उसे पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और अलसी लीजिए, ज़्यादा सी लेना 500-600 ग्राम, इसे हल्का सा भून कर पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद अलसी खाएं, उसमें 0.5 ग्राम या उससे कम ही गोंद मिलाकर खा लिया करें सुबह और शाम, और ये 100-200 ग्राम गोंद खरीद लें। और बेशतर ये तजर्बा है, ये अनुभव है कि इसके ख़त्म होने से पहले मरीज का ठीक होना मुमकिन होता है। इसी के साथ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। जी हेलो, एक ही सवाल बोल रहे हैं। हाँ जी 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 बताइए। आदाब सवाल साहब। हेलो, जी जी बताइए। हेलो अकीम जी, ऐसा है कि मेरी वाइफ का साइकिल का दर्द ठीक हो गया था,
साइटिका का हेलो दर्द? जी हाँ, कैप्सूल एस केयर लिया था 4-5 महीने, उससे ठीक हो गया था। जी, ठीक है ठीक है। तो फिर तकलीफ नहीं है तो मत लीजिए, कभी दोबारा हो तो ले सकते हैं। ये एस केयर अच्छी दवा मानी गई है, और सुबह शाम लेने से किसी को भी जोड़ों में दर्द हो और घुटनों में दर्द हो, मोंढ़े में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर दवा नहीं पाई। और अब अगर दर्द हो तो कभी ले सकते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम ज़रूरी है हर घर में। और तो कोई सवाल नहीं आपका? मेन यही सवाल है हमारा, उनको वही मासून आर केयर दे रहे हैं अभी एक टाइम। ज़रूर दीजिए, अपने घर के हर हर शख्स को माजून आर के ज़रूर खिलाइए। जब तक हमारा भारत इस जो संक्रमण कहते हैं इससे पाक ना हो जाए, ये जो महामारी चल रही है, हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर माजून आर केयर एक खुराक ही दें। आप भी लें, बच्चों को भी दें, बच्चों को आधी खुराक और आप लोग एक खुराक ज़रूर लिया करिए। चाहे आपको किसी को भी एक रोटी कम खानी पड़े, लेकिन इस वक्त अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से ही अगले कॉलर हैं, मोती रानी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी बोलिए, आपका सवाल। हकीम जी से हो जाएगी बात? आपकी बात हो रही जी, है। बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। आदाब। मेरे पाँव में ना बहुत जलन होती है, पाँव के तल्ले में। वैसे मेरे दोनों घुटनों के ऑपरेशन हुए हुए हैं, तो फिर भी दर्द होती है घुटनों में ना, उठते बैठते समय होती है, चलने में नहीं होती है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 है। अच्छा, देखिए मुझे तो जब अच्छा लगता जब ऑपरेशन से पहले आपकी हमारी बात होती। देखिए फिर भी ये दर्द कम हो सकता है, जलन ख़त्म हो सकती है, और इसके लिए आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम लिया करें। टाइम लगेगा, और खाने के बाद और नाश्ते के बाद आप इसे एक एक लिया करें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, किसी से भी फ़ायदा करेगा। और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है, उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, तो आपको बहुत सेहत के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बहुत आप हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, हमसे हमारे बुजुर्ग हैं, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब, मैं जो है, मेरी उम्र है 72 साल के करीब, वाह बहुत अच्छे। और मेरे जो पैर हैं इसमें टखने से नीचे नीचे इसमें जलन सी रहती रहती, पर्स सी चढ़ी रहती है, जैसे तो कोई मैंने चावल का मांड हो उसमें पैर दे दिए हो, इस तरह से जो है वो रहती है, और इसमें दर्द रहता है शाम को और सुबह, और मेरे हाथ कांपते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों रोग के लिए मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, और एक इलाज, एक दवा भी बताता हूँ। खूब अपना ऐसे ही ख्याल रखा करिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा उम्र है और हमसे ज़्यादा आपने दुनिया देखी है। देखिए इस उम्र में ये हमारे डिस्क में रगें दब जाती हैं कमर में, और होता क्या है कि हमारे या तो पैरों में जलन होती है, या दर्द होता है, या खिंचाव होता है, और या सुन्न होने लगता है, और हम अपने पैरों का इलाज कराते रहते हैं। ये पैरों का इलाज नहीं, कमर का इलाज होगा, और इसके लिए MRI भी करा सकते हैं आप। तो यहाँ पर रगें दबी होती हैं। देखिए घरेलू नुस्खे के तौर पर गौनसिया अगर असली मिल जाए, गौनसिया नकली बहुत मिलता है, काला गौन, और ये 100 ग्राम भी अगर आप ख़रीद लें, 100-200 ग्राम ख़रीद लें बस, और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से बगैर चर्बी के दूध से, या आप ले सकते हैं, शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, और या तो ये लीजिए अगर ये असली मिल जाए। ये नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और या फिर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, और देखिए 5-6 महीने लेना पड़ेगा। इस उम्र में दवा थोड़ा कम काम करती है हमारी बॉडी पर, एक महीने में 10-20% फ़ायदा
हो सकता है, और ऊपर वाला चाहे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो तब भी 4-5 महीने ज़रूर लेना, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिजनौर से हैं शशि जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जय हिंद शशि जी, आपका स्वागत है। सर ये पूछना था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था बेटी के लिए, तो 8 साल की है, नवे में चल रही है, लगी है, तो उसे वो खांसते हुए ऐसे करती है वो, और वैसे खांसते निकाल अब कुछ खांसती है, खाने का टाइम पर ज्यादा करती सर, ऐसा करती खाने का टाइम पर ज्यादा उठता हूँ सर। ठीक है ठीक है। हाँ एक घरेलू नुस्खा उसे देकर देख लें, बच्ची को, छोटी बच्ची है, ये जो मेथी का दाना तो आप जानते ही, मेथी साबुत जो होती है, इसको पाउडर बना लें और एक चुटकी या दो चुटकी मेथी का पाउडर एक गिलास पानी में उबालें और उसमें एक चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोडा मिला करते हैं, तो इसको मिक्स करके गर्म पानी में और बच्ची से कहें इसे चाय की तरह पी ले, थोड़ा गर्म हो जो उसको पी सके, रोज़ाना एक बार पिला दिया करें, मुमकिन है कि बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।